राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज मैं आपके साथ में अपनी बोगनविलिया की कुछ कटिंग शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, जो मैंने प्लांट्स कटिंग से रेडी किए थे, ये मेरे पास में एक्चुअल में जो भी वैरायटीज आप देख रहे हैं, ये सब मिट्टी में लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। इस बार मैं जो बोगनविलिया है उसका बॉन्जाई बनाना चाह रही थी और सोच रही थी कि इनको पोट के अंदर भी छोटे रूप में इनको लगाऊं, तो इसके लिए मैंने सबसे कुछ कटिंग्स ली और कटिंग्स रेडी की हैं। और रेडी करने के बाद जब मैंने इनको रिपोर्ट किया, उसके बाद देखिए मेरी जो कटिंग्स है वो कितनी अच्छे से ये जो है वो चल रही हैं। आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये वाली कटिंग है, एक ये कटिंग है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होना स्टार्ट हुई है, बट हाँ, पर देखिए ये मेरी जो कटिंग थी ये ख़राब हो गई थी, ये शायद ख़राब ही हो गई है, ये देखिए पूरी। तो ये जो कटिंग्स है ये अभी अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले इनको रिपोर्ट किया है और बहुत ही अच्छे से जो मेरी कटिंग्स है वो चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बोगनविलिया हैं, आप अगर उनका उसका बोंजाई बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी ऐसे प्लांट्स ले सकते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं, ये देखिए ये थोड़ी मोटाई में है और ये देखिए, तो इनके जो बोंजाई होते हैं वो काफ़ी अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं उसको। आपको बस मैं जैसे इसमें इतने सारे ये हैं, अब मुझे जितना है उसको मैं थोड़ा पिंच करती रहूँगी और इसी के आसपास जो है वो ब्रांचेस निकलती रहेंगी और इसका जो भी है स्टेम ये मोटाई लेता रहेगा। ये एक बहुत ही इजी वे में ग्रो होने वाला प्लांट है जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसको जो है जब इसकी जो भी कटिंग्स लगाई थी तो वो केवल और केवल मैंने सैंड में लगाई थी और ऊपर से उसको पॉली से कवर कर दिया था, तो मेरी जो कटिंग्स है ये लगभग 3 या 4 महीने इन कटिंग्स को हो चुके हैं और उसके बाद ये अब जाके इतनी अच्छे से बाहर लगाने के बाद ये और भी अच्छी तरीके से डेवलप हुई है। ये देखिए, जैसे इनको थोड़ा सा मानसून का सीजन चल रहा है तो इसमें काफ़ी अच्छे से हुई है। तो केवल सैंड में मैंने इनको लगाया था और अब जब मैंने इनको रिपोर्ट किया है तो इसमें मैंने एक वेलड्रेन सॉइल बनाई है जिसमें एक हिस्सा मैंने खाद लिया है, एक हिस्सा मैंने बजरी ली है या रिवर सैंड, और एक हिस्सा मैंने गार्डन सॉइल का लिया है, तो उसी के अंदर मैंने इन्हें लगाई है। अभी मैंने इन्हें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है अलग से, लेकिन अगर हम इन्हें थोड़ा थिक करना है या अच्छा, तो हम इसको थोड़ा कंपोस्ट फीड करेंगे, ये उसके लिए बेस्ट होता है कि हम मंथ में वंस टाइम इसको कंपोस्ट फीड करें। और चूंकि छोटे में हमें फ्लावर्स चाहिए होंगे अगर, तो मैं इसे म्यूरोटो पोटाश दूंगी थोड़ा सा और 1/4 टीस्पून, जिससे भी इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से निकल के आएगी और जो फ्लावरिंग है वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर सनलाइट इसकी रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो देखिए, आप इसे फुल सन में रखिए, ये फुल सन में रहने वाले प्लांट्स हैं जो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। वाटरिंग की बात है तो बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग नहीं करनी है, जैसे पोट की हमारी मिट्टी सूख जाती है तब आप इनको तो पानी दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से चलेंगे। इनको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की इनकी ज़रूरत नहीं है। ये तो अभी नॉर्मल इसका है, जब इसका फ्लावरिंग का होगा कि मुझे हाँ अब मुझे इनसे फ्लावर्स लेने, तब मैं जो इनको फीड करूँगी फर्टिलाइज़र में उस वक्त आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि देखिए कितना मैंने इसको बनाया है और किस तरीके से डेवलप किया। हालांकि प्रॉपर अभी मुझे बोंजाई में नहीं जाना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि छोटे में मैं इसको ऐसा ही एक अच्छा सा शेप देऊँ कि ये बहुत ही खूबसूरत लगे पोट में लगे हुए। तो फ्रेंड्स, मेरे कटिंग्स और उनके रिजल्ट्स आपको कैसे लगे हैं, कैसी लगी इनकी केयर? और देखिए मेरे पास में काफ़ी सारी हैं अलग अलग तरीके की बोगनविलिया, तो मैंने सभी से लगभग 6 से 7 तरीके की मेरी बनी थी। और कटिंग्स का आपको बता दूं कि मैंने 12 से 13 कटिंग्स लगाई थी जिनमें से 6 से 7 कटिंग्स ही मेरी जो हैं वो सक्सेस हुई थी। तो ये जो है मैंने बनाई है, कैसी कितनी खूबसूरत लग रही है या कैसी आपको लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।